हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन 2021 से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशंस अपडेट किया गया है उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में इस एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में एडमिशन पीएचडी 2021-22 इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 नोटिफिकेशंस अपडेट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड रिजेक्टेड केसेस, देन पीएचडी एडमिशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल रेट एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स एंड रिवाइज्ड रिजेक्टेड केसेस, देन पीएचडी एडमिशन रेट एंड वाइवा वॉस शेड्यूल। वन बाय वन हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं पीएचडी एडमिशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड रिजेक्टेड केसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में फर्स्ट ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। ओके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपसे व्यू डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट और एक ऑप्शन है रिजेक्शन लिस्ट विथ रीजंस। वन बाई वन हम देख लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट चेकआउट करते हैं। करने के लिए आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, देन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, देन सैल्यूटेशन, देन नेम, देन जेंडर, देन एडमिटेड कैटेगरी, देन कॉलेज नेम, देन यहाँ पे स्ट्रीम दिया गया है। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप सभी वीडियो पॉज करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नेम चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सभी सब्जेक्ट का लिस्ट ये सिंगल पीडीएफ में अपडेट कर दिया। ओके, जैसे कि देख सकते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ टोटल 420 एप्लीकेशन किया गया है। ओके, सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर। देन चलिए नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं। आप सभी को बैक ऑप्शन पे चले आना है। देन रिजेक्शन लिस्ट विथ रीजंस देख लेते हैं। रिजेक्शन लिस्ट आप सभी को डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका भी पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, देन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, देन फुल नेम, देन रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, आप सभी वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल 19 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे रीजंस भी दिया गया है क्या कारण से रिजेक्ट किया गया है उन सभी का एप्लीकेशन। ओके, देन चलिए बैक ऑप्शन पे चले जाते हैं। देन नेक्स्ट नोटिफिकेशन चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल रेट और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स एंड रिवाइज्ड रिजेक्टेड केसेस। चेकआउट करने के लिए आपसे को व्यू डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ रेट एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स, देन रिवाइज्ड रिजेक्टेड लिस्ट। फर्स्ट हम चेकआउट करेंगे लिस्ट ऑफ रेट एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स। ओके, जैसे कि देख सकते हैं इसका एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रेट एग्जामिनेशन अलोंग विद लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया रेट एग्जामिनेशन के लिए और जितने भी कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्टेड किया गया उन सभी का लिस्ट यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हैं, देन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, देन यहाँ पे फुल नेम, देन यहाँ पे जेंडर, देन यहाँ पे एंट्री टाइप दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे डिसिप्लिन दिया गया है, देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज दिया गया है, देन यहाँ पे एडमिटेड कैटेगरी दिया गया है। ओके, आप सभी वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट अपडेट कर दिया गया है। ओके, मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आप सभी इस पीडीएफ का डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना नेम चेकआउट कर लीजिएगा। ओके,
आपका नेम लिस्ट में है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज रिजेक्टेड लिस्ट। जी देख सकते हैं इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है, रिवाइज रिजेक्शन लिस्ट विथ रीजन्स। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया, देन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, देन फुल नेम, देन रीजन्स फॉर रिजेक्शन। आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, देन चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन चेकआउट करते हैं। आप सभी को बैक ऑप्शन पे चले आना है। आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन रेट एंड वाइवा वो शेड्यूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, व्यू डिटेल्स ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है चेकआउट करने के लिए। करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, देन डाउनलोड एंड व्यू पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका भी पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। पीएचडी एडमिशन 2021 रेट एंड वाइवा शेड्यूल। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, देन डिपार्टमेंट, देन रेट डेट, देन रेट टाइमिंग, देन वाइवा डेट, देन वाइवा टाइमिंग। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर वन पे है डिपार्टमेंट एनिमल साइंस, देन नंबर टू पे है केमिस्ट्री, देन नंबर थ्री पे है कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी, देन नंबर फोर पे है जियोलॉजी, देन नंबर फाइव पे हिंदी, देन नंबर सिक्स पे हिस्ट्री, देन नंबर सेवन पे बंगाली, देन नंबर एट पे है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, देन नंबर नाइन पे है माइनिंग इंजीनियरिंग, देन नंबर टेन पे है जूलॉजी, देन नंबर इलेवन पे है सी सी एस आई, देन नंबर ट्वेल्व पे है मैथमेटिक्स, देन नंबर थर्टीन पे इंग्लिश, देन नंबर फोर्टीन पे है जोग्राफी। ओके, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आपसे वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं रेट डेट यहाँ पे दिया गया है, देन यहाँ पे रेट टाइमिंग दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे वाइवा वॉस का डेट दिया गया है, देन वाइवा बस का यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है। ओके, आप सभी अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। ओके, अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप सभी इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच केयर, जय हिंद।